हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्वर ज्वेलरी हॉल। मैंने ये ज्वेलरी जयपुर के बापू बाज़ार से ख़रीदी है। मैंने ज्वेलरी के साथ साथ कुछ कपड़े भी खरीदे हैं, जिनका मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। गैस ज्वेलरी, वहाँ पे काफ़ी ज्वेलरी मिलती है जिनमें फुल बार्गनिंग होती है और प्राइस काफ़ी चीप रहती है। एंड मैंने कुछ ईयरिंग्स भी ख़रीदे हैं जो कि सिल्वर में ही है, तो मैं आज आपको वो बताऊंगी। तो लेट्स गो स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने ये ज्वेलरी ख़रीदी है। ये सिल्वर नेक पीस है जो कि बहुत ही प्यारा है। गाइस, इसमें एक साथ तीन चैन लगी हुई है जिसे एक साथ पहन सकते हैं। तो पहनने पर ये ऐसा लगेगा जैसे मैंने तीन चैनें पहन रखी हैं, छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर लास्ट में बड़ी। और नीचे इसमें ये इस तरह से चैनें लगी है जो कि दिखने में बहुत ही यूनिक और एलिगेंट लग रही है। गाइस, ये सिल्वर में है और इसका लुक बहुत प्यारा है। ऊपर इसमें इस तरह के फ्लावर्स से बने हुए हैं, डिजाइन है, नीचे भी बहुत प्यारी डिजाइन है। ये दिखने में बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। यह मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। और आप इसे चाहें तो किसी भी ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है, आप इसे वाइट ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। ये वाइट ड्रेस के ऊपर, वाइट कुर्ती के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। वाइट कुर्ती के ऊपर जैसे अपन बंदेज की चुन्नी लगा लो या कुछ भी पहन लो तो ये बहुत अच्छा है। इसे जीन्स टॉप या किसी के भी साथ कैरी कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। एंड सेकेंड मैंने यह गले का ख़रीदा है जो कि बहुत ही प्यारा है। पीच कलर में भी है, हल्का हल्का इसमें यह स्काई कलर, बैंगनी कलर आ रहा है, पिंक कलर है और बीच में यह डार्क पिंक कलर है। ये भी बहुत ही प्यारा है दिखने में। इसका कलर कॉम्बिनेशन इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में यहाँ दो बड़े बड़े मोती हैं जो इसको अच्छा लुक दे रहे हैं। गले में यह एक चैन है मोटी जिसे अपन गले के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह भी बहुत सुंदर है, इसे भी आप किसी भी कुर्ती पर या बॉडीकॉन ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। ये गाइस मुझे 120 का मिला है जो कि दिखने में बहुत अच्छा है इसलिए इसे मैंने ख़रीद लिया। इसके बीच में ये डायमंड है जो कि लाइट में काफ़ी चमकते हैं और ये बहुत ही सुंदर है दिखने में। एंड थर्ड मैंने ये ख़रीदी है, यह भी बहुत ही प्यारी है। इसका कलर पीच है। ये बारीक पीच कलर की मोतियों की माला है जो कि बहुत सारे मोतियों को आपस में गूंथ कर एक माला बनाई हुई है। ये काफ़ी ब्रॉड है और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। इसे गले में पहनकर बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये गले में एकदम पीछे से टाइट हो जाती है। ये भी बहुत सुंदर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये ब्रॉड है और बहुत अच्छी बारीक बारीक मोती है और यूनिक लुक देती है। यह मैंने 80 रुपीज़ की ख़रीदी है। आप इसे भी किसी भी कुर्ती पे या जींस के ऊपर, टॉप के ऊपर पहन सकते हैं। गाइस, फोर्थ मैंने यह नेक पीस ख़रीदा है। यह नेक पीस भी बहुत ही सुंदर है, इसकी डिजाइन भी बहुत ही प्यारी है। यहाँ इसका ये बारीक बारीक काम हुआ हुआ है, बारीक पतली चैन है और यहाँ पे इस नीचे इसके ये घुंघरू टाइप से लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर है। इसकी सबसे अच्छी बात है यह है, ये इस टाइप के हैं जैसे हम इसे गरबा लुक में या गरबे में कहीं पर भी इसको पहन सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा है। इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। यह मैंने बापू बाज़ार से ख़रीदा है। वैसे तो मैं कहीं पर भी, जब भी कहीं जाती हूँ, कुछ ना कुछ ख़रीदती हूँ। ज्वेलरी और कपड़े तो सबसे पहले लेती हूँ। ये भी बहुत सुंदर है, इसे भी हम किसी के भी साथ पहन सकते हैं। साड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, स्लीवलेस ब्लाउज या स्लीवलेस कुर्ती के साथ भी ये बहुत सुंदर लगेगा। गाइस, मैंने नेक पीस के साथ साथ ये कुछ ईयरिंग्स भी ख़रीदी हैं। यह ईयरिंग्स भी मैंने बापू बाज़ार से ख़रीदी है। ये भी बहुत ही प्यारी है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। यह मल्टी कलर में है, इसे हम हाफ मून के नाम से भी जानते हैं। यह आधा चांद बना हुआ है, चांद, इसे चांद वाली भी कहते हैं। ये भी बहुत प्यारी है। इसमें ऑरेंज कलर की जो हाफ मून है तथा मल्टी कलर के बिंदी बिंदियाँ लगी हुई है, यह भी बहुत ही सुंदर है। गाइस, ये बाली सिर्फ इतनी सी हाफ थी, इसमें ही मैंने मल्टी कलर के पॉम पॉम लगा लिए हैं जिससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। यह मैंने अलग से बना के लगाए हैं जिससे ये और सुंदर लग रही है।
इसकी प्राइस भी 100 रुपीज़ है। ये भी मुझे 100 का पड़ा है। ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी पहनने पर इतना अच्छा लुक आता है इस तरह से, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड सेकंड मैंने गाइस सेकंड मैंने ये सिल्वर बाली ख़रीदी है जो कि फुल सिल्वर में है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इसमें बारीक 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 चारों तरफ सब जगह घुंघरू लग रहे हैं जिससे इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये दो अलग बालियों को मिलाकर एक बाली बनाई हुई है। इसका लुक बहुत ही प्यारा है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। यह बाली भी मुझे गाइस 100 रुपीज़ की मिली है। ये भी बहुत सुंदर है, इसे किसी भी ड्रेस के साथ हम कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, हैवी भी नहीं है, लाइट वेट है। ये दिखने में लग रही हैवी है पर ये बहुत लाइट वेट है। मैंने ये मल्टी कलर इयररिंग्स ख़रीदी है, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। यह लॉन्ग है तथा मल्टी कलर्स में है। इसमें बड़े बड़े घुंघरू लग रहे हैं जिससे ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। यह भी दिखने में बहुत सुंदर है, इसे हम टीके के रूप में भी पहन सकते हैं। ये बहुत सुंदर है, ये भी लाइट वेट है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है। गाइस ये तीनों इयररिंग्स मैंने 100-100 के ख़रीदे हैं। वैसे तो जयपुर की प्राइस काफ़ी चीप है पर ये थोड़े एक्सपेंसिव है। ये बहुत ही सुंदर है इसलिए मुझे मिले हैं। इसे किसी भी ड्रेस, लहंगा चोली, चूड़ीदार सूट के साथ पहन सकते हैं। गाइस जो भी मैंने अभी दोनों इयररिंग्स दिखाई थी और ये, इन तीनों की प्राइस 100 रुपीज़ है। एंड लास्ट में मैंने ये येलो कलर की लॉन्ग इयररिंग्स खरीदी है। ये भी बहुत प्यारी है, लाइट वेट है तथा लीव्स जैसी इसमें डिजाइन बनी हुई है। ये भी चेन से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर है, लाइट वेट है। यह भी मुझे 50 रुपीज़ की मिली है। यह मैंने जयपुर से ख़रीदी है। गाइस मैंने एक नेकलेस भी ख़रीदा है जिसे मैं अभी बताना भूल गई थी। इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें ये ऑरेंज मोती है, ब्लू छोटे छोटे बारीक बारीक मोती है जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नीचे एक इसमें इस तरह का गोल्डन टाइप पेंडल लगा हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। पेंडल है, बहुत ही सुंदर है। ये एक अलग ही एलिगेंट न्यू लुक दे रहा है। इसे किसी भी ड्रेस के साथ, जींस के साथ पहनो, बहुत ही सुंदर है। ये हैवी नहीं है, लाइट वेट है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा।